सोमवार की रात से गायब थी, जिसमें एक बच्ची का मौत हो जाता है, उसका सब पुलिस बरामद करती है। घटना स्थल पर जाकर हम मौजूद होते हैं और एक बच्ची का जो है इलाज चल रहा है पटना के एम्स में। और बिहार में दलितों के नेता बहुत हैं, लेकिन जब दलित बच्ची की मौत हो जाती है तो कोई नेता धरातल पे नहीं नजर आते हैं। हम भी लोग लेके थोड़ा डरते हैं कि कहीं हम पे भी FIR ना हो जाए और हमारी हत्या ना हो जाए, लेकिन आवाज तो हम उठाएंगे इन दलितों के लिए, और आवाज जब उठाएंगे तो दूर तक जाएगा। और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उनका चाहिए। बच्ची की मवानी का कहना था कि बाउंड्री के पास चार लड़के जो थे वो आग ताप रहे थे। अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो प्रशासन जब पकड़ेगी उनको तब पता चलेगा। किसी बेगुनाह पे ऊँट उठा रही है, बंदा ना मेरा बंदा, लेकिन इन लोगों को इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये लोग सबसे दबे हुए लोग हैं। अगर इन लोगों का आवाज कोई नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, आपको उठाना है। और पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इनका साथ देना होगा, तभी जाकर ऐसी हत्याएं दोबारा नहीं हो सकेगी। इन लोगों का मांग है कि फांसी दो, लेकिन जो कानून के संविधान में है बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए, तो बस इन लोगों का यही मांग है कि हमें फांसी चाहिए, हत्यारे को फांसी चाहिए। आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं क्या कारण रहा, बच्ची कितने दिनों से लापता थी, क्या था उसके बारे में बताया। बच्ची 9-8 बजे के बाद बच्ची घर को वापस मिली, गार्जियन लोग उसके पीछे पड़ गए, खोजने लगे, बच्ची नहीं मिली। अगल बगल के गांव हो गया, लेकिन बच्ची नहीं मिली। प्रशासन शाम के समय आके यहाँ स्टेटस दिया गया कि आप एक्शन लीजिए, प्रशासन एक्शन नहीं लिया। अगर प्रशासन एक्शन लेती तो दोनों बच्ची हुई रहती। बोला कि आप लोग अपना खोजिए, उसके बाद जो सुबह में होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर थाना प्रभारी चाहता जैसे एक्शन लेती तो दोनों बच्ची बच सकती थी। तो इनका कहना है कि अगर प्रशासन एक्टिव होता तो यहाँ पर बच्ची की जान बच सकती थी। जैसा कि फुलवाड़ी शरीफ के लोगों का कहना है कि अपराध कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, इस पे कंट्रोल लगाना प्रशासन का काम है, प्रशासन का कर्तव्य है। कुछ लोग हैं और उसे भी जानते हैं क्या कहना चाह रहे थे। प्रशासन अगर सामने एक्शन ले लेता तो मार देता उधर, बच्ची जिंदा मिल जाती, छोड़ देता जो भी होता, क्योंकि ये लोग बैठे रह गए, एकदम